हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से आपकी एक पोएम है माय मदर एट 66। तो इसकी जो पोएट हैं वो है कमला दास। इनका बर्थ हुआ था मालाबार, केरल के मालाबार नाम की जगह पर, और इन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरी नोवेल्स लिखे हैं और मलयालम में भी लिखा है, जिसमें इनको माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए पोयम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग, जो उम्र का बढ़ना है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, बूढ़े पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पोयम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब ये जो पोएट हैं कमला दास, ये अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही थी ड्राइविंग करते हुए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। कहाँ जा रही थी? कोचिन। तो आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ मेरे बाजू में है। जो डोज, डोज मींस क्या होता है? ओपन, डोज मींस होता है शॉर्ट स्लीप। जो कार में सो रही थी, हल्की नींद में थी, एंड ओपन माउथ हेड, उनका मुँह खुला हुआ था। हर फेस ऐसा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका चेहरा कॉप्स की तरह था। कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। तो उनका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। कॉप्स का मीनिंग एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आपको क्या लिखना है? डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मैंने दर्द से महसूस किया, पेन मीन्स होता है दर्द, तो दर्द से महसूस किया, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक, कि जैसी वो दिख रही हैं वैसी ही बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही मैंने इस थॉट को, इस विचार को दूर करने के लिए जो अपनी कार की विंडो थी उससे उन्होंने बाहर देखा। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने देखा कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग, जो जब कार चलती है तो पेड़ पीछे की तरफ चलते हैं, तो ये पेड़ पीछे की तरफ चल रहे थे। एंड द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, और जो बच्चे थे वो घरों से बाहर आ रहे थे। स्प्लिंग मीन्स होता है कम आउट इन अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में बाहर आना कोई चीज। आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे घरों से बाहर आ रहे थे। व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ को फिर से देखा, जो बैन लग रही थी, बैन मीन्स होता है कलरलेस, कलरलेस लग रही थी, उनका चेहरा पीला सा था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे विंटर्स में मून दिखता है बिना शाइनिंग के, जिसमें ब्राइटनेस नहीं होती है, वैसा माँ का चेहरा दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और मैंने महसूस किया कि वो बूढ़ी हो गई हैं, और मुझे महसूस हुआ अपना फैमिलियर एक, मतलब जो माई चाइल्डहुड फियर, मुझे जो बचपन में जाना पहचाना सा डर महसूस होता था, वैसा ही डर मुझे महसूस हुआ। जैसे हम सभी को होता है कि बचपन में होता था कि जैसे मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, इसी टाइप का डर पोएट महसूस कर रही थी। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने जो बोला वो केवल यही बोला, सी यू सून अम्मा, माँ को उम्मीद दिलाने के लिए कि फिर मिलेंगे। तो ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, केवल मैंने जो किया वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, मीनिंग है स्प्रिंटिंग का, मीनिंग लिखा है शॉर्ट फास्ट रेस या रनिंग, और बैन मीन्स होता है कलरलेस। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ ये देखिए कि द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस, ये सारी पोएम सिंगल सेंटेंस में है, पंचुएटेड बाई कॉमास, जिसको कहीं कहीं पर कॉमा लगा के पंचुएट किया गया है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।